नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। 2019 के आम चुनावों में चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जारी है। राजद की मीसा भारती चुनाव प्रचार प्रसार पर निकलने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुना देते हैं। 40 की 40 सीट भी महागठबंधन जीत सकती है। कल संजय सिंह ने फिर कहा कि दोनों भाइयों को आप लड़ा रही हैं, विभीषण और रावण की तरह। संजय सिंह ने ही मोदी जी और नीतीश जी को अलग करवाया था, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। और यही तो कह रही हूँ कि महिलाओं जो आधी आबादी है, उनके लिए उनके मन में कितना मान आदर और संस्कार है ये इनके, जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ये लोग करते आए हैं। हम इन लोगों के प्रति कोई कमेंट नहीं कर रहे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री रैली करने जा रहे हैं पालीगंज में। नीचे तो किए हुए। अरे प्रधानमंत्री जी के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभा नहीं, अब तो वो गली गली में भी रोड शो करेंगे। आप देखिए ये स्तर पे आ गए हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में उन्होंने अब एक परिवार को टारगेट करके 1.5 घंटा प्रवचन दिया, तो बिहार की जनता बहुत बारीकी से इसको देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। जेडी ने कहा है कि लालू यादव जो है वो पीठ पे खंजर भोंकते हैं। ये तो पूरे बिहार की जनता को, देश की जनता को और मीडिया को पता है कि पीठ में खंजर भोंकने का काम कौन करता है और उनका नाम क्या है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। 23 के बाद क्या हो सकता है? 23 के बाद सारे चौकीदार घर बढ़ जाएंगे। तो ये थी मीसा भारती। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों को लड़वाने का काम कर रही हैं, तो इस पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि संजय सिंह का ये बयान आया था कि मीसा भारती जो है ये दोनों भाइयों को लड़वा रही हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती ने इससे पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मुझे पता है मेरा जो प्रेम है वो सारे भाई बहनों के लिए बराबर है, लेकिन मुझे ये पता है कि लालू प्रसाद यादव का जो उत्तराधिकारी है वो तेजस्वी यादव होगा। इस पर राजनीतिक पार्टियां इस पर हमला कर रही थी, तो इसी पर उन्होंने जवाब दिया है कि संजय सिंह जो हैं इन्होंने ही मोदी को और नीतीश कुमार को अलग करवाया था, तो ये पहले अपना कुछ देख लें। उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा है कि नरेंद्र मोदी आपके क्षेत्र में जनसभा करने जा रहे हैं क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो आप गली गली में जाएंगे, एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये शोभा नहीं देता कि आप गली गली में भी जाएं और जाकर वोट मांगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुजफ्फरपुर में जब इन्होंने 1.5 घंटे हमारे परिवार पर हमला बोला है तब ये कुछ भी कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 23 मई के बाद क्या होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि 23 मई के बाद सारे चौकीदार घर बैठ जाएंगे। फिलहाल चुनावी दौर में इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी और उन बयानबाजी से लाइव सिटी सबसे पहले आपको रूबरू कराएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।